हे गाइस, वेलकम टू आर्यांश क्लासेस। आज हम डिटेल लेकर आए हैं पूरी ऑस्कर अवार्ड्स 2019 की सूची। अभी फिलहाल ही हाल ही में ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं, उसकी पूरी सूची यहाँ है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिल जाएँ। बेस्ट फिल्म जो मिली है वो है ग्रीन बुक को। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल मिली है रामी मालिक को। बेस्ट एक्टर्स इन अ लीडिंग रोल ओलिविया कॉलमिन को। बेस्ट फॉरेन फिल्म मिली है रोमा को। बेस्ट डायरेक्टर अल्फोंसो क्यूरॉन, ये रोमा फिल्म के लिए ही दिया गया है। गाइस, ऑस्कर अवार्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि हाल ही में दिए गए हैं तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हो सकते हैं उनमें हो सकता है कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलेगा वो शायद बेस्ट फिल्म और बेस्ट फॉरेन फिल्म का निकल सकता है, और इसके अलावा भी बाकी सब कोई क्वेश्चन लिया जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने बाफ्टा अवार्ड के बारे में बताया था कि बाफ्टा अवार्ड क्यों दिया जाता है। ये ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड होते हैं, तो उसमें पूरी जानकारी दी थी कहाँ दिया जाता है, कब दिया जाता है और कैसे दिया जाता है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। अगली कैटेगरी है बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, ये दिया गया बैक सेल्समैन के लिए। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, ये दिया गया ब्लैक पैंथर के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग शैलो लेडी गागा को दिया गया। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन रूथ कार्टर को दिया गया। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी रोमा फिल्म को मिला। इसके अलावा है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, ये बाओ को मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस को दिया गया। बेस्ट विजुअल इफेक्ट फर्स्ट मैन को मिला। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म स्किन के लिए मिला। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ग्रीन बुक को मिला। इसके अलावा है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जो कि रेजीना किंग फिल्म इफ बिल के लिए दिया गया। इफ बिल स्ट्रीट कुड टॉक, ये पूरा नाम है फिल्म का। इसके अलावा है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, जो कि है मार्शाला अली फिल्म ग्रीन बुक के लिए दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स। आगे छोटी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं लेडी गागा के बारे में। लेडी गागा और ओलिविया कॉलमैन को मिला पहला ऑस्कर अवार्ड था। लेडी गागा को फिल्म अ स्टार इन बॉर्न इंग्लिश में लिखा है आगे, के लिए मिला है अवार्ड। और ये गायिका स्टेज पर रोने लगी, क्योंकि बतौर अभिनेत्री लेडी गागा ने पहली बार ऑस्कर में शिरकत की थी। ऑस्कर 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला ओलिविया कॉलमैन को फिल्म द फेवरेट के लिए। ऑस्कर जीतने वाली ओलिविया के लिए ये पहला ऑस्कर था, और जब वो स्टेज पर आईं तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। 45 साल की इस अदाकारा ने कहा कि शायद ये मौका दोबारा नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत खुश है और इस लम्हे को जीना चाहती है। फिर एक डिटेल है भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है। यह फिल्म भारतीय पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है, जिसमें पीरियड्स के मुद्दे को उठाया गया है। इस फिल्म को रियाक्ता जहताबजी और मेलिसा बर्टर ने निर्देशित किया है। भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की फिल्म पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी फिल्म के ऑस्कर अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। आगे डिटेल है रोमा, जिसको 10 अलग अलग श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था। 2019 में ऑस्कर पुरस्कारों में हॉलीवुड फिल्म रोमा को सबसे ज़्यादा 10 अलग अलग श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया। पिछले साल ऑस्कर में शेप ऑफ वाटर को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले थे। इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में सबसे ज़्यादा कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली फिल्म में गिना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए कि सबसे ज़्यादा नॉमिनेट होने वाली फिल्म कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा रोमा। साल 2018 के ऑस्कर अवार्ड्स में इसे 13 अलग अलग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जिसमें से 4 अवार्ड इस फिल्म ने अपने नाम किए। इसके अलावा ऑल अबाउट ईव, टाइटैनिक और ला ला लैंड ऑस्कर में सबसे ज़्यादा कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली फिल्मों के क्लब में शामिल है।